से हुई है फिल्म इंडस्ट्री में, बिकॉज जहाँ तक मैं जानता हूँ आप आउटसाइडर्स हैं, मुंबई के नहीं हैं, तो कैसे सफ़र की शुरुआत हुई? कुछ नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मैं आउटसाइडर हूँ और मेरे हिसाब से सब लोग एक ना एक दिन आउटसाइडर ही थे इंडस्ट्री में और सब लोग धीरे धीरे इनसाइडर्स हो गए। तो मेरी जर्नी ये यहाँ से शुरू हुई कि मैं एक मुझे आना था, मेरे को मुझे फिल्मों का पैशन था और मैं चाहता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊं, यहाँ काम करूं, यहाँ के लोगों को जानूं, पहचानूं, अच्छी फिल्में बनाऊं। पर मुझे पता था कि ये डायरेक्टली नहीं हो सकता है क्योंकि हर इंसान का सपना पूरा होने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने शुरुआत की एज ए जर्नलिस्ट और मैं लोगों के घर जाता रहा और इंटरव्यूज करता रहा। हर अलग अलग तरीके के लोग थे, चाहे वो बाल ठाकरे हों, चाहे शरद पवार हों, चाहे वो विलासराव देशमुख हों, चाहे वो दिलीप साहब हों, प्राण साहब हों, श्रीदेवी हों, लता बाई हों, आशा भोसले हों, सुष्मिता, ऐश्वर्या, विवेक, बच्चन साहब, मनोज वाजपेयी, न जाने कौन कौन, मतलब हर इंसान के घर जा जा के मैंने इंटरव्यू किया। उन लोगों की बातें, उनकी स्ट्रगल, हर इंसान को मैंने सुना, समझा और समझ में आया कि ज़िंदगी क्या होती है, कैसे इन लोगों ने मेहनत किया। हर छोटे से बड़े इंसान का मैंने इंटरव्यू किया 10 साल में, हर छोटे इवेंट, हर छोटे प्रेस रिलीज़, हर चीज़ मैंने सीखा, देखा, समझा। उसके बाद मुझे जो चीज़ समझ में आई, उन सब चीज़ों से मैंने अपने आप को तैयार किया, बहुत स्ट्रगल किया। फिर जब गुजारिश देखी मैंने तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं संजय लीला भंसाली का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, तो मैं पहले भी उनके घर गया था एक बार और मुझे एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि मैं उस समय असिस्टेंट बनना चाहता था उनका। मुझे बहुत सारे ऑफर्स भी आए कि मैं असिस्ट करूँ, मधुर भंडारकर हूँ, तनुजा चंद्रा हूँ, महेश भट्ट साहब हूँ, इन सब ने मुझे कहा कि तुम असिस्ट करो और मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं असिस्ट नहीं करना चाहता था। क्योंकि असिस्टेंट से क्या होता है, मैं देखता हूँ कि आपके दिमाग पे आपके गुरु का काफ़ी असर हो जाता है और आप उसी तरह की फिल्में बनाने शुरू हो जाते हो। जो आदित्य चोपड़ा को असिस्ट करते हैं वो उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो संजय लीला भंसाली को असिस्ट करते हैं वो उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं, जो राम गोपाल वर्मा को असिस्ट करते हैं वो उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं जब संजय सर के पास गया, मैंने उनसे उन्हें खुद ये कहा कि मुझे आपकी कंपनी का CEO बनना है और उन्होंने मुझे तुरंत बिना सोचे समझे उन्होंने मुझे CEO का खिताब दिया, मुझे बनाया एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम। और उसके बाद हमने एक छोटी सी सीरियल बनाई जिसको सरस्वती चंद्र स्टार प्लस ने सपोर्ट किया और उसके बाद हमने रामलीला, राउडी राठौड़, मैरी कॉम, बाजीराव मस्तानी मैंने सेटअप किया, पूरा फर्स्ट शेड्यूल किया। उसके बाद जब मेरी मुलाकात हंसल मेहता से हुई तो हंसल मेहता ने मुझे एक कहानी सुनाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उनको पहली बार उनकी और कंगना की मुलाकात करवाया, लेकिन उस कहानी के राइट्स मुझे नहीं मिल पाए। और तो वापस मैं और हंसल सोचने लगी कि कौन सी फिल्म करें। तब तो हंसल ने मुझे एक बार डिनर पर अलीगढ़ की कहानी सुनाई, तो इस फिल्म का नाम कुछ और था। फिर मैंने सोचा और मैं बोला जब ये अलीगढ़ में बेस्ड है ये कहानी तो मैं अलीगढ़ ही नाम रखते हैं इसे, और हमने इसको नाम टाइटल दिया। उसके बाद हमने मनोज वाजपेयी को अप्रोच किया, मनोज वाजपेयी ने ये फिल्म के लिए हाँ कहा और उसके बाद राजकुमार राव ने एक जर्नलिस्ट का, तो इस तरीके से शुरुआत हो गई। जहाँ तक मैंने कुछ स्टडी किया है आपके फिल्मों में, जो अभी आने वाले फिल्मों में एक चीज़ सिमिलर दिखाई देता है, एक चीज़ नहीं दो चीज़ सिमिलर दिखाई देता है, वो एक तो ये है कि आप जो भी फिल्म करते हैं मैक्सिमम बायोपिक पर आधारित होता है। अगर हम बात करें बाजीराव मस्तानी की जो आप सेटअप किए, बात करें हम अभी मैरी कॉम आपने बनाई, सरबजीत आप बना रहे हैं, या फिर अलीगढ़ भी उसी तरह से, और कुछ फ्यूचर का प्लान जो आपका चल रहा है बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर, तो सिर्फ बायोपिक ही क्यों? कभी आप यशराज गए हो, यशराज से कभी पूछा कि भाई सिर्फ रोमांटिक ही क्यों? कभी आप कहीं और गए हो कि यार ऐसी फिल्में क्यों, या मार धाड़ पे क्यों, या डेविड धवन के पास आप जाके क्यों नहीं बोलते कि आप सिर्फ कॉमेडी ही क्यों बनाते हैं? मैं ऐसी फिल्मों नहीं बना रहा हूँ जो बायोपिक है। मुझे जो कहानी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे दिमाग पे असर हो रही है, मैं वो फिल्में बना रहा हूँ। मैं हर तरीके की फिल्में देखता हूँ, मैं थिएटर में ही जाता हूँ, मेरे घर पर DVD प्लेयर नहीं है या म्यूज़िक प्लेयर नहीं है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। तो मुझे जो कहानियाँ अच्छी लगी, मुझे रामलीला की कहानी अच्छी लगी तो रामलीला तो बायोपिक नहीं है, मुझे राउडी राठौड़ की कहानी अच्छी लगी थी मुझे और संजय सर को, तो वो तो बायोपिक नहीं है।
शिरीन फरहत बायोपिक नहीं है, लेकिन मैरी कॉम एक बायोपिक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक औरत मणिपुर की कहाँ वर्ल्ड चैंपियन 5 बार जीत गई, तो मैंने वो कहानी कहना शुरू कह दिया। उसके बाद मुझे अलीगढ़ की कहानी बहुत अच्छी लगी तो मैंने अलीगढ़ बना दिया। उसके बाद मुझे सरबजीत की कहानी अच्छी लगी अब तो मैंने सरबजीत बनाना शुरू कर दिया। बाला साहेब के ऊपर मुझे, बाला साहेब एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिनकी कहानी, जिन जो इंसान मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, वो एक तरह से गुरु मानता हूँ मैं उनको, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी इंस्पायर लगती है। तो अब ये सब बायोपिक ही है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कहानी अच्छी है इसलिए मैं वो फिल्म बना रहा हूँ। एक और दूसरी चीज़ सिमिलर ये है कि आपकी जो दो फिल्में आने वाली हैं इस साल, बात कर रहे हैं अलीगढ़ और सरबजीत की, तो अलीगढ़ के भी जो डायरेक्टर हैं वो भी नेशनल अवार्ड विनिंग, और जो सरबजीत है वो भी नेशनल अवार्ड, तो क्या मतलब आप फिल्म करने से पहले ये भी देखते हैं कि डायरेक्टर का स्टेटस क्या है? नहीं नहीं, जो कहानी अच्छी होती है उस कहानी को सही कहने वाला इंसान भी होना चाहिए। तो मेरी खुश नसीबी है कि हंसल मेहता भी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं और उमंग कुमार भी नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एज अ प्रोड्यूसर मुझे भी नेशनल अवार्ड मिले, लेकिन मैं अच्छी कहानी कह रहा हूँ और वो कहानी इंसान अगर वो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है या विदाउट अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, कहानी कहने का एक तरीका होता है। मुझे लगता है हंसल ने अलीगढ़ अच्छी बनाई है, उमंग सरबजीत अच्छी बनाएगा, तो बस उस तरीके से चल रहा हूँ मैं। जानना चाहेंगे कि थोड़ा बहुत सरबजीत और अलीगढ़ के बाद और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अलीगढ़ और जो है वो 26 फरवरी को आएगी और 20 मई को सरबजीत आएगी। उसके बाद एक फिल्म है बॉम्बे मुंबई, जो 1992 to 1995 जब बॉम्बे को मुंबई में कन्वर्ट किया गया था, तो कैसे लोगों की, सिर्फ शहर नहीं लोगों की ज़िंदगियां भी बदली थी, वो एक कहानी है जो हम अभी शूटिंग करेंगे अप्रैल मई में। और उसके बाद बाला साहेब ठाकरे के ऊपर बायोपिक है जिसका नाम साहेब है, जो राहुल ठाकरे डायरेक्ट करेंगे और उमंग कुमार और स्मिता ठाकरे और मैं मिलकर वो उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और भी अलग अलग कहानियां हैं जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो कब तक बनना शुरू करता है। वैसे तो सरबजीत को लोग जानते हैं, सरबजीत के कहानियों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन अलीगढ़ में ऐसा क्या स्टोरी है या फिर अलीगढ़ में वो जो दंगा हुआ था क्या उसके ऊपर आप फिल्म बना रहे हैं? थोड़ा सा संक्षेप में आप बताएं। अलीगढ़ जो है वो एक नागपुर के मराठी प्रोफेसर है, उनके कहानी पर है। वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में वो मराठी सिखाते थे, तो उत्तर प्रदेश में मराठी सिखाने वाला एक ही प्रोफेसर थे वो। उनको एक गे एक्ट में पकड़ा गया और उनको पिक्चराइज किया गया, और कैसे उस चीज़ को मीडिया ने बहुत हवा दे दी और कैसे उनकी ज़िंदगी पे असर हुआ, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी क्या टर्न लेती है और उनके साथ क्या जस्टिस हुआ इन द लॉ सिस्टम, वॉट ऑल हैपन विथ हिम, वॉट ऑल ही हैड टू गो थ्रू, दैट इज़ द कहानी विच इज़ अ गे प्रोफेसर इज़ प्लेड बाय मनोज वाजपेयी एंड अ जर्नलिस्ट इज प्लेड बाय राजकुमार राव। हंसल हैज़ डायरेक्टेड इट एंड आई हैव प्रोड्यूस्ड इट विद द हेल्प ऑफ इरोस। किशोर लुल्ला और सुनील ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस फिल्म के लिए। वैसे तो जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सबका कुछ ना कुछ एक ड्रीम होता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि संदीप का ड्रीम क्या है एज ए प्रोड्यूसर? मुझे लगता है मेरा ड्रीम से ज़्यादा ही मैंने अचीव कर लिया है। 17 साल हो गया मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में और जो मैंने सोचा था मैं वही कर रहा हूँ, मैं फिल्में ही अच्छे बना रहा हूँ, चाहे वो राउडी के रूप में हो, मैरी कॉम हो, रामलीला हो, गब्बर हो, शिरीन फरहत हो, और अब मैं एज ए इंडिविजुअल भी मुझे जो कहानी कहनी है, कोई फोर्स नहीं कि मेरे को यही कहानी कहनी है, तो मुझे अलीगढ़ पसंद आया तो मैं अलीगढ़ बनाया, मुझे सरबजीत पसंद आया मैं सरबजीत बना रहा हूँ, मुझे बाल ठाकरे के ऊपर, बाला साहेब ठाकरे के ऊपर फिल्म बनाना था वो बन रहा है, मुझे बॉम्बे मुंबई की कहानी कहनी थी, एक इंसिडेंट मेरे लाइफ में हुआ था वो मैं बना रहा हूँ, तो जो कहानी कहना है मैं वही कर रहा हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कह रहा हूँ, किसी चीज़ का मेरे से डिमांड नहीं है। एक ड्रीम है कि मैं एक दिन डायरेक्ट करूं और मुझे लगता है वो भी सपना ऊपर वाला चाहेगा, अगर मेरे कर्म अच्छे रहें, अगर मैं और सीख पाया एज ए डायरेक्टर और अपने आप को इन्वॉल्व कर पाया फिल्म मेकिंग में, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तक डायरेक्ट भी करूँगा। वैसे तो जब आप डायरेक्ट करेंगे तो स्टोरी के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट में उसमें एक्टर फिट होते हैं उनको लेंगे, लेकिन एक ड्रीम कि हाँ इस एक्टर के साथ मुझे काम करना है, वैसे कौन सा एक्टर? मुझे नहीं लगता किसी डायरेक्टर को एक ड्रीम होना चाहिए कि मुझे इस एक्टर के साथ काम करना है, मुझे उस एक्टर के साथ काम करना है। उनका ड्रीम होना चाहिए कि एक अच्छी कहानी कहनी है, एक अच्छा स्क्रीन प्ले कहना है, एक अच्छा डायलॉग कहना है, एक अच्छा संगीत लोगों के सामने पेश करना है। उस सिनेमा में जो जो लोग फिट होते हैं,
उन लोगों को अप्रोच करना चाहिए, अगर उनको लगता है सही तो वो फिल्म करें, नहीं सही लगता है वो ना करें, क्योंकि फिल्म की एक डेस्टिनी होती है, कहानी होती है जो बनती है जो नहीं बन पाती। बहुत सारी कहानियां हैं, किसी ने वो फिल्म छोड़ी थी, आमिर खान ने डर छोड़ा था और बाजीगर सलमान खान ने छोड़ा था, DDLJ सैफ अली खान ने छोड़ा था और आज तीनों फिल्म हिस्ट्री है। सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। रणबीर कपूर ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में छोड़ी हैं, शाहिद कपूर ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में छोड़ी हैं, कई हीरोइनों ने क्वीन छोड़ दिया था और कई लोगों ने कहानी छोड़ दिया था और वो सारी फिल्में हिस्ट्री हैं। तो फिल्म का एक डेस्टिनी होता है और जो जिसके नसीब में होता है वो होता है। मेरा कुछ ऐसा ड्रीम नहीं कि मैं इस एक्टर के साथ काम करूँ, उस एक्टर के साथ काम करूँ। मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक अच्छी कहानी बनाऊँ, मैं एक अच्छा डायरेक्शन दूँ जो लोगों को बहुत अच्छी लगे। क्योंकि जैसे शानदार है, शानदार बहुत अच्छी, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व है पर फिल्म नहीं चली, और एक प्यार का पंचनामा है जो कहानी और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छी और नए लोगों के साथ वो फिल्म बहुत पैसा कमा लेती है। क्वीन वैसी ही थी, होपफुली अलीगढ़ और सरबजीत भी वैसे ही हो। चलिए लास्ट में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि ये 17 साल के प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे दो व्यक्ति जिनको आप यू नो थैंक यू बोलना चाहेंगे वो कौन कौन है? वो पहले व्यक्ति हैं संजय लीला भंसाली, जिनसे मैंने हर फिल्म मेकिंग का हर चीज़ सीखा, और दूसरे व्यक्ति हैं संजय लीला भंसाली जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मुझे उम्मीद है कि उनकी जो फिल्म मेकिंग का पैशन और पागलपन है वो मुझ में अंत तक रहे और मैं बहुत सारी कहानियाँ उन्हीं की तरह कह सकूँ जिस तरीके से वो कहते हैं, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ फिल्म बनाना है और वो चीज़ मैंने उनसे सबसे ज़्यादा सीखा। थैंक यू वेरी मच एंड विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फिल्म सरबजीत एंड अलीगढ़। थैंक यू कन्हैया। बैठा हूँ उसके लिए क्राफ्ट बैठा हूँ।